जीवन विद्या के लोप व्यापीकरण में उन सभी वरिष्ठ अध्ययनार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने लेखन, संकलन, प्रबोधन, चिंतन, आयोजन आदि भूमिकाओं में दर्शन के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। अपने उल्लेखनीय योगदान से दर्शन की प्रभाव संपन्नता को बढ़ाया। 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उपलक्ष्य में ऐसे वरिष्ठ भाई बहनों का सम्मान करना यह इस समापन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी को आग्रहपूर्वक विनंती है कि कृपया इस सम्मान का स्वीकार करें और अंकित भाई, लकी भाई, कुहू बहन, आप लोग, ये लोग हम नाम लेंगे, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ जाकर उनको शॉल देकर उनका यथोचित सम्मान करें, ऐसी मैं विनती करता हूँ। अंकित भाई, मृदु बहन, आप भी इसमें कृपया मदद करें। हाँ हाँ, आइए ना, आइए आइए। नहीं, नाम फिर से पढ़ना है एकदम। डॉक्टर रणसिंह आर्य भैया, गोविंदपुर आप है। आपने राष्ट्रीय जीवन विद्या सम्मेलन की मूल संकल्पना पूज्य बाबा जी के सामने प्रस्तावित की और बाबा जी के मार्गदर्शन में उस पर अमल कर पहला जीवन विद्या सम्मेलन आयोजित किया। इस परंपरा को आज 25 वर्ष पूर्ण हुए। डॉक्टर रणसिंह आर्य भैया, गोविंदपुर। श्रीराम भैया, पुणे। आपने गत 15 वर्ष से सम्मेलन प्रक्रिया का प्लानिंग, SOP और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कर सम्मेलन का आयोजन सुलभ किया। इतना ही नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप में सम्मेलन आयोजक में सहभागी होकर हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। राकेश गुप्ता भैया, बैंगलोर। आपने बाबा जी के साथ किए प्रत्यक्ष संवादों का डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइज किया है तथा ऑडियो वीडियो माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध कराया है। रोशनी साहू दीदी, भिलाई। आपने दर्शन वांग्मय के लिए आयाम, मुद्दे और परिभाषाओं का संकलन किया। शरीर व्याधिग्रस्त होने के बावजूद पूरे उत्साह और तत्परता के साथ आप कार्यरत रहती है। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। सत्यप्रकाश भारत जी, ये पूरे भारत से ही है। आपकी जगह जगह में शिविर आयोजन में सहभागिता और उपस्थिति रहती है। बाबा जी इन्हें संयोजक कहते थे ऐसा हमें पता चला है। आप सभी को नमस्ते, हरी हर। रोशनी दीदी मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ। आज उनको उनके श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर सम्मानित किया गया है। जिन्होंने भी इस श्रेष्ठता का सम्मान किया उनका मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ। दीदी अभी इसमें आ नहीं पाई हैं, पर मुझे लगता है जीवन ज्ञान जिन जिन को होता है शरीर अस्वस्थता बाधा नहीं होती, तो ये अवार्ड दीदी के लिए वो था। दीदी ने एक मैसेज दिया है जो मैं पढ़ रही हूँ आप सभी के लिए। सर्वप्रथम आप सभी को इतने सुंदर आयोजन के लिए खूब खूब धन्यवाद और ढेरों बधाइयाँ। बसंत भैया जी से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि मुझे मेरे सहयोग के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए परम श्रद्धेय बाबा जी व आप सभी के प्रति आभार व कृतज्ञता। और ये मुझे अच्छे से ज्ञात है कि ये सब सहयोग
मैं आप लोगों को कर पाई इसकी वजह यथार्थता के स्रोत का सहजता से सर्वसुलभ होना और आप सभी का सहयोग है। आप सभी बड़े छोटे भाई बहनों के आचरण में ही मुझे सहजता और हर चीज हर वस्तु को आसानी से सुलभ करवा देना दिखाई दिया। वही मैंने भी अपने आचरण में लाने की कोशिश की। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ भी नहीं किया। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।